हेलो दोस्तों, आज पढ़ते हैं हम उत्तर प्रदेश में सीमावर्ती जिले और प्रदेश व देश। ठीक है दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से सटे हुए हैं, कौन से जिले हैं और कौन से बॉर्डर के लास्ट में हैं, एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों देखते हैं, कौन से जिले से स्टार्ट है, कौन से जिले से एंड है, और हमारे उत्तर प्रदेश में कौन सा प्रदेश टच होता है, कौन सा देश टच होता है। ठीक है, देख लेते हैं दोस्तों शुरू से। तो सबसे हमारा पूर्वी जिला में कौन सा आता है दोस्तों, सबसे पूर्वी जिला बलिया आता है। ठीक है, बलिया, ठीक है, सबसे पूर्व में बलिया जिला आता है जो बिहार को टच करता है। ठीक है, किसको, बिहार राज्य को टच करता है। ऐसे ही पश्चिमी जिला है, सबसे पश्चिमी जिला में आता है हमारा शामली। ठीक है, शामली किसको टच करता है दोस्तों, हरियाणा को टच करता है। ठीक है, और उत्तरी जिला में सहारनपुर है। ठीक है, सहारनपुर सबसे उत्तर में है। ठीक है, ये कौन कौन सा राज्य को टच करता है, सहारनपुर तीन राज्यों को टच करता है। कितने, तीन राज्यों को टच करता है, कौन कौन से, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। किसको किसको दोस्तों, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, ऐसे ही दक्षिणी जिला में जो दक्षिण की दिशा में है, कौन सा जिला पड़ता है अपना, सोनभद्र पड़ता है। ठीक है दोस्तों, सोनभद्र पड़ता है, इसे कौन कौन से राज्य टच करते हैं, सोनभद्र सबसे ज्यादा राज्य को टच करता है। कितने संख्या है राज्यों की, चार राज्यों की संख्या है जो सोनभद्र चार राज्यों को टच करता है। ठीक है, पहला कौन सा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ठीक है दोस्तों, जो सोनभद्र इन चार राज्यों को टच करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है कौन सी है। तो दोस्तों सभी को पता है उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सीमा नेपाल है। ठीक है, कौन है, नेपाल है। ठीक है, ये लगभग कितनी दूरी तक इसका जो बॉर्डर टच करती है दोस्तों, भारत और नेपाल की, नेपाल पे यही रहा दोस्तों, ये इसके यहां से लेके यहां तक की लंबाई कितनी है दोस्तों, 578 किलोमीटर की। कितनी है लंबाई, 578 किलोमीटर की। ठीक है दोस्तों, इतना तो याद होगा, ये इसे आप नोट डाउन कर लेना, अच्छे से ध्यान रखना है, ये दो बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश का अंतरराष्ट्रीय सीमा जो नेपाल है उसकी कुल लंबाई कितनी है। ठीक है, कितना दोस्तों, 578 किलोमीटर। ठीक है, इसमें कितने जिले टच करते हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी देख लेते हैं जो जो नेपाल को टच करते हैं। सबसे पहले महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रीवस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। ठीक है, जो इतने जिले हैं ये नेपाल को टच करते हैं या नेपाल के पास है, बिल्कुल समीप है। ठीक है, बॉर्डर पे कितने जिले हो गए दोस्तों, सात जिले हो गए। ठीक है, कितने जिलों की संख्या, सात हो गई। कितने जिले टच करते हैं अपने नेपाल को, सात जिले टच करते हैं। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश से सटे राज्य कितने हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया है कि उत्तर प्रदेश के समीपवर्ती राज्यों की संख्या बताइए या फिर राज्य बताइए। ठीक है, टोटल काउंटिंग करके पूछा था, तो दोस्तों उसकी टोटल काउंटिंग है, नौ राज्य है जिसमें से एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश को जब हटा देते हैं तो हमारे आठ राज्य बचते हैं, वो आठ राज्य देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली को छोड़ दो क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार, झारखंड। ठीक है, कितने राज्य टच करते हैं दोस्तों, टोटल अगर पूछ दे, टोटल काउंटिंग पूछ दे राज्य, तो नौ है। अगर केंद्र शासित प्रदेश के लिए इंक्लूड करने के लिए नहीं बोल रहा है तो आप आठ राज्यों की संख्या बताएंगे, कौन कौन सी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। ठीक है, टोटल आठ संख्या। उत्तराखंड से सटे जिलों की संख्या बताइए दोस्तों, सभी को पता है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ है। ठीक है, जो 2000 में अलग हुआ था। ठीक है, कब अलग हुआ था, 2000 में अलग हुआ था जो उत्तराखंड है। उत्तराखंड अपने उत्तर प्रदेश के कितने जिले को टच करता है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। ठीक है दोस्तों, ये है जो उत्तराखंड की सीमा को छूते हैं या समीप है। ठीक है, टोटल काउंटिंग कितनी है इसकी, सात है। ठीक है,
उत्तराखंड से सटे जिलों की संख्या टोटल पूछता है, नंबर ऑफ काउंटिंग पूछता है। दोस्तों सात जिले हैं जो उत्तराखंड को छूते हैं, कौन कौन से अगर पूछ लेता है कि ऐसा आरंभ कौन से राज्य को टच करता है, तो दोस्तों आंसर है इसका उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। ठीक है दोस्तों, ध्यान रख लीजिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अभी पढ़ते हैं आगे इसी में। अब देखते हैं दोस्तों हरियाणा से सटे जिले कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, तो हरियाणा राज्य से कौन कौन से हमारे जिले टच करते हैं, तो दोस्तों सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। ठीक है दोस्तों, कितने हैं, छह जिले टच करते हैं किसको, हरियाणा। कौन कौन से है पहले, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। ठीक है दोस्तों, किसको टच करते हैं, हरियाणा को टच करते हैं। अब पूछा है दोस्तों कि दिल्ली से सटे कितने जिले हैं। ठीक है दोस्तों, जो दिल्ली है राजधानी, ठीक है, कितने जिले टच करते हैं, तो दोस्तों गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर ही टच करते हैं। ठीक है, किसको, दिल्ली को। हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारक नदी है। ठीक है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश किसके द्वारा अलग होता है दोस्तों, यमुना नदी के द्वारा। किसके, यमुना नदी के द्वारा अलग होती है, जो इसकी सीमा निर्धारक नदी है। ठीक है, राजस्थान से सबसे सटे जिले का नाम बताइए। ठीक है, जो राजस्थान राज्य है इससे सटा हुआ कौन कौन से जिले आते हैं, आगरा और मथुरा। ठीक है दोस्तों, इसमें दो जिले आते हैं, कौन कौन से, आगरा और मथुरा। ठीक है, अब मध्य प्रदेश से कितने जिले टच करते हैं। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश से आगरा, इटावा, जालौर, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र। ठीक है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश की सीमा रेखा को टच करते हैं। कितने हो गए टोटल, 11 जिले हैं जो मध्य प्रदेश को टच करते हैं। ठीक है, अब बिहार राज्य से कितने जिले टच करते हैं, ठीक है, ये देख लेते हैं दोस्तों। तो सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। ठीक है, तो इसमें कितने टच करते हैं बिहार राज्य को, 2, 4, 6, 7 जिले हैं जो बिहार राज्य को टच करते हैं। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ से सटे जिलों के कौन सा जिला सटा हुआ है। ठीक है दोस्तों, पहले ही बताया मैंने कि छत्तीसगढ़ को सबसे यहाँ सोनभद्र ही टच करता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से सटे जिले का नाम सोनभद्र है, और झारखंड भी सोनभद्र को टच करता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, झारखंड भी सोनभद्र को टच करता है, छत्तीसगढ़ भी सोनभद्र को टच करता है। ठीक है, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी, ठीक है, मध्य प्रदेश और बिहार भी टच करता है। ठीक है, मध्य प्रदेश और बिहार, ठीक है दोस्तों, ये दोनों चारों राज्य जो सोनभद्र को टच करते हैं। ठीक है, सर्वाधिक जो उत्तर प्रदेश की जो सीमा रेखा है, सबसे अधिक कौन सा राज्य टच करता है, तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा है सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से टच करता है। कौन टच करता है दोस्तों, मध्य प्रदेश टच करता है। जो सबसे कम सीमा को पकड़ता है, यानी जो उत्तर प्रदेश का जो बाउंड्री है, सीमा रेखा है, सबसे कम टच करता है कौन है, वो हिमाचल प्रदेश है, जो सबसे कम स्पर्श करता है कहाँ पे, शामली के पास। ठीक है दोस्तों, तीनों तरफ से घिरा हुआ जिला। ठीक है दोस्तों, जो ललितपुर है अपना सबसे लास्ट में है, उसे आप ललितपुर को देखोगे आप जब मैप में, तो मध्य प्रदेश के तीन साइड से, इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से, बीच में ललितपुर है। ठीक है, ये तीनों साइड से ललितपुर घिरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है।